आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराजा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉली क्रिक न्यूज। आमिर खान के बेटे जुनैद खान के डेब्यू को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म महाराजा से जुनैद डेब्यू करने वाले हैं। तो वही ताज़ा रिपोर्ट्स के माने तो जुनैद की डेब्यू फिल्म आज से यानी कि 15 फरवरी 2021 से फ्लोर पर आ चुकी है। ये फिल्म 1962 की मशहूर करणसन दास मुलजी वर्सेस जाथुनाथ जी के बिजरतन जी के महाराज के केस पर बनी है। फिल्म में जुनैद पत्रकार करण दास की भूमिका में नजर आएंगे। खबर है कि महाराज में जुनैद के अलावा अर्जुन रेड्डी एक्ट्रेस शालिनी पांडे और जयदीप अहलावत भी दिखने वाले हैं। जयदीप नेगेटिव कैरेक्टर निभाते नजर आएंगे। तो बॉलीवुड हंगामा एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में फिल्म का बड़ा सेट लगा दिया गया है और डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रोडक्शन डिजाइन टीम इस पर लगातार काम कर रही है। वहीं जुनैद भी इस लंबे समय से इस फिल्म की तैयारी में लगे हुए हैं। जुनैद ने लॉस एंजलिस में आडा में 2 साल तक थिएटर की पढ़ाई की थी। इसके बाद वो भारत आकर थिएटर से जुड़े। जुनैद ने हाल ही में थिएटर का कोर्स नवरस साधना पूरा किया। जुनैद ने थिएटर का प्रशिक्षण देश के सबसे प्रतिष्ठित गुरुओं में शामिल वेणु जी से लिया है। रिपोर्ट्स के माने तो यशराज बैनर की यह फिल्म रियल घटना पर बेस्ड होने वाली है। और जादूनाथ जी की बिजरंतन जी का एक बाबा थे जो वल्लभाचार्य संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। उनके भक्तों की लिस्ट लंबी चौड़ी थी, लेकिन पत्रकार करसन दास ने एक खुलासा किया कि इस धर्म परंपरा में मर्द अपनी औरतों को गुरु के साथ संबंध बनाने के लिए चढ़ावे की तरह चलाते थे। बाद में कोर्ट में केस हुआ और आखिरकार करसन दास की जीत होती है। बाद में इस पर महाराज नाम की एक किताब प्रकाशित की गई थी और फिल्म एक बहुत बड़ा ड्रामा होगी जिसे काफ़ी बड़े स्तर पर शूट किया जाएगा। और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा। एक्ट्रेस शालिनी पांडे यशराज बैनर की फिल्म जैस भाई जोरदार से रणवीर के अपोजिट हिंदी फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं। तो वही महाराज में जुनैद के साथ भी शालिनी पांडे की जोड़ी देखने वाली है। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।